Hello everyone, welcome back to my channel at Sacred International. Today I am here with a very big इमिग्रेशन अपडेट फॉर द US स्टूडेंट्स और द US एस्पायरेंट्स जो US जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुड न्यूज़ है. एंड दिस न्यूज़ इज़ अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वीज़ा स्लॉट्स, जो इंटरव्यू की स्लॉट्स हैं उसके बारे में है. और ये न्यूज़ जो है 19 अप्रैल 2022 में डोलेंट एल हेल्फ्री ने दी है, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि वो नेक्स्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वीज़ा स्लॉट्स को ओपन करने जा रहे हैं. डोलेंट हैज़ टोल्ड अस दैट दे विल बी ओपनिंग 8 लाख न्यू स्लॉट्स फॉर द इंटरव्यू फॉर द वीज़ा एंड दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वीज़ा, इधर इट इज़ F, इधर इट इज़ H, L, J, O, P, कोई भी टाइप का वीज़ा है वो सब के लिए वो स्लॉट्स ओपन करने जा रहे हैं. Although उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब से स्टार्ट होंगे, बट दे सेड दैट दे विल ओपन 8 लाख स्लॉट्स फॉर द वीज़ा इंटरव्यूज़. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसी और वीडियोज़ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन सो डैट कि आपको कोई भी इमिग्रेशन अपडेट मिस ना हो, बिकॉज नाउ डेज इमिग्रेशन अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट्स. यू कांट मिस इवन अ सिंगल स्लॉट फॉर योर अपॉइंटमेंट. ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरी नज़र में जिनको अपनी सीट डेफर करनी पड़ी बिकॉज उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे इंटरव्यू के. सो मेक श्योर कि आप इमिग्रेशन अपडेट्स से रिलेटेड रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो डैट कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, चाहे वो यूएस से रिलेटेड हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कोई भी कंट्री से रिलेटेड हो और कोई भी वीज़ा टाइप से रिलेटेड हो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. दिस इज़ वेरी ग्रेट न्यूज़ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मुझे भी रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि उनकी अपॉइंटमेंट नहीं सेट हो रही, सर प्लीज़ सजेस्ट समथिंग. सो उन स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर एस्पायरेंट्स जो वर्क पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा पे यूएस में जाना चाहते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग द स्लॉट्स, सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम. बताया है कि प्री कोविड में उनका 1.2 मिलियन वीज़ा स्लॉट्स वो करते थे पहले और अब इस साल वो 8 लाख वीज़ा स्लॉट का प्रॉमिस कर चुके हैं. ऑल्दो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस ईयर उन्होंने 8 लाख की अवेलेबिलिटी शो की है, बट निकाल दें तो 8 मंथ बचते हैं, तो 8 मंथ में अगर आप 8 लाख अवेलेबिलिटी दे देते हो, इट्स एन एवरेज व्हाट दे वर प्रोवाइडिंग बिफोर द कोविड, सो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्लॉट्स दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग टू ऑल द एस्पायरेंट्स दोज हु वांट टू गो टू द US. Not just this, Doland has also promised to provide the 3 lakh slots for H and L visa specifically in the upcoming 12 months. So कोई भी H1 से रिलेटेड H या L टाइप का वीज़ा हो, चाहे H1 हो, B1 L1 हो, तो अगर उनमें से आप एस्पायरेंट्स हो जो यूएस में जाना चाहते हैं इस वीज़ा कैटेगरी के लिए, सो मेक श्योर कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक करें रेगुलरली सो डैट यू कैन बुक अ स्लॉट. और अगर आपको कोई भी इशू आता है स्लॉट बुकिंग के लिए, मैं नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, यू कैन कंटैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट. So this was all about the video. If you like this video, do hit the like button and subscribe button so that you don't miss any of my video in the upcoming days.